ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज 6.1, इकोनॉमिक सबसे पहले याद रखना गवर्नमेंट या कंट्री को डील किया है इकोनॉमी, इकोनॉमिक वर्ल्ड हो ना सारे, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इकोनॉमी ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, बट कहा जाता है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जब कंट्री की बात की जाए, यहां पर जो बात की जाती है पहले गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव की, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, द इकोनॉमी के जो गवर्नमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव होते उनकी बात कर रहा हूं। भाई हर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो, इन्फ्लेशन क्या हो कम, इन्फ्लेशन कम क्यों भाई, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज एवरेज प्राइस लेवल का इंक्रीज होना, हाई इन्फ्लेशन की वजह से रियल इनकम जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, जॉब इन द कंट्री विल बी लॉस, डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इंक्रीज, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, वेयर एज लो इन्फ्लेशन इनकरेजेस बिजनेस टू एक्सपेंड एंड मेक इट इजियर फॉर अ कंट्री टू एक्सपोर्ट इट गुड्स एंड सर्विस। कभी कभी बिजनेस का इंपैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ हैविंग अ राइज इन इन्फ्लेशन, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, हायर प्राइस, बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। जब इन्फ्लेशन होती है जब या तो नेगेटिव इफेक्ट क्या गया तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किसके लिए आएगा कंज्यूमर्स के लिए, पॉजिटिव किसके लिए आएगा प्रोड्यूसर्स के लिए, महंगा बेचेंगे कंज्यूमर्स भाई सोचेंगे क्या करना है, पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दूसरा ही नहीं है, ड्यू टू डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर बिजनेस विल रिकॉर्ड लोअर सेल्स, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। फिर कहता है लो अनएम्प्लॉयमेंट, जब 22% एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए लोग क्या है, ये लोग लेबर इंटेंसिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में होती है तो भाई जाहिर सी बात है लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है लोगों का, आउटपुट रिड्यूस होता है ऑफ अ कंपनी ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एज वेल, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही मैंने कहा। फिर आता है कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी, जीडीपी बढ़ाना अपने इकोनॉमी का स्केल पैदा करना है, कैसे करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाना है तो ये ऑब्जेक्टिव है भाई हर हर इकोनॉमी का कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा मुल्क की भाई वाहवा होगी, जीडीपी बढ़ेगा पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ाना, पॉजिटिव कर या पॉजिटिव बी ओ पी, बैंक ऑफ पंजाब ने लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनका मतलब ये है कि हमें बिजनेस की इंपोर्ट कम करनी है एक्सपोर्ट बढ़ानी है। फिर आते हैं बिजनेस साइकिल की ओर, बिजनेस साइकिल में समझा दो एक तरीके से, बिजनेस साइकिल में समझा था इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ग्रोथ मैच्योरिटी सैचुरेशन डिक्लाइन, पूरा वही है बिजनेस साइकिल की इसके अंदर क्या है। लेकिन ये इकोनॉमी के जरिए देखा जाता है, लाइफ ग्रो करेगा, पहले ग्रो करेगा स्लम करेगा मतलब डीप में नीचे आ जाएगा, ग्रोथ स्लम बूम पीक है, फिर दोबारा नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है, डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है दो पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, समझाता हूं फिस्कल एंड मॉनेटरी में फर्क क्या है। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व एनी चेंज बाय द गवर्नमेंट इन टैक्स रेट और पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग। टैक्स दो तरीके होते हैं, इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम, इनकम टैक्स कॉर्पोरेटिव टैक्स और प्रॉफिट टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स, टैक्स विद आर लीव ऑन ग्रुप गुड एंड सर्विस। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इज इनकम लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। कॉर्पोरेटिव टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस। ठीक है भाई, फिस्कल पॉलिसी बता दी क्या होती है। फिस्कल की बात आती है एक चीज जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी एक बात है ना, यहां पर किसकी बात हो रही है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट की बात होती है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है उतना ज्यादा मुल्क को फायदा होता है, कंट्री को फायदा होता है, इकोनॉमी को फायदा होता है। फिर आते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। गवर्नमेंट स्पेंड कहां करती है भैया? गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, बैंक बैलेंस बढ़ने की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, ओवरऑल पूरी दुनिया की। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहां करती है? रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, एयरपोर्ट, ट्रेडिंग सेंटर्स, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? सेंट्रल बैंक बनाता है, याद रखना। वो सब्जेक्ट पॉलिसी क्यों की है जो स्टेट करती है इंक्रीजिंग द सप्लाई विल रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन होती है, नेशनल जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट के फर्म्स हैं या बिजनेस है उनको आप प्राइवेटाइज कर देते हो, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, इंक्रीज कॉम्पिटिशन करते हो इंडस्ट्रीज के जरिए। अब आते डायरेक्टली 6.2 के ऊपर, बेसिक अंडरलाइन। कोई सवाल है तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, यूट्यूब पर देख लो, अगर यहां बैठे हो तो कोई सवाल हो पूछ सकते हो। कोई सवाल है? नहीं है? आगे बढ़ो। एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज, देखो तुम लोग सवाल नहीं, मैं सवाल पूछूंगा रिकॉर्डिंग करके, फिर घबराना नहीं। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। एक बात याद रखना, बिजनेस एक्टिविटी इज अ प्रोसेस टू सैटिस्फाई कस्टमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, जिसमें प्रॉफिट बनाया जाता है। एनवायरमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड, इसके अंदर कुछ चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलू भाई के कुछ चीजें मैं समझ लू, एक्सटर्नलिटीज की बात करूं, एक्सटर्नलिटीज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक्सपीरियंस बाय अनरिलेटेड थर्ड पार्टी। सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट इसके अंदर आते हैं। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है समझ लो, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेबर कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब चीजें प्राइवेट कॉस्ट के अंदर आती है। जबकि प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है? मनी मेड बाय द सेल ऑफ प्रोडक्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट विल कॉज पोल्यूशन, स्मोक एंड फ्यूम्स मे डैमेज द हेल्थ, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगेन टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जिससे आप क्या करते हो, हाई कंपनी इसके ऊपर टैक्स लगता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? जो आपको सबने दिया होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि आप भी यूज करो, आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर हो। तो इसमें आप क्या करते हो? इसके अंदर आप रीयूज, रीसाइकल एंड रीक्रिएट करते हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रीसाइकल वेस्ट करते हो, यूज फ्यूअर रिसोर्सेज करते हो। ये बातें याद रखने वाली है। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? एथिकल इश्यूज बिजनेस के होते हैं, लाइक बिजनेस ऑलवेज do the right thing which is ethically good, bribe the government, employ child worker, buy supplies that need to develop government, fix higher prices with competitor, ये सारे issues हैं, ये सारे issues हैं, इसको याद है। यहाँ हमारे वाले जो कंप्लीट होता है, अब हमारे सेकंड टॉपिक ऑफ दिस बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। बिजनेस को इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कंपेयर करेंगे, इसमें ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन?
It is a process by which business all the other organizations start operating on an international scale. अपॉर्चुनिटीज होती है फॉरेन मार्केट में, ओपन फैक्ट्रीज इन अदर कंट्री आप कर लो, आप सेल इंपोर्टेड प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इफेक्ट द बिजनेस, इफेक्ट करता है भाई। लेकिन ट्रेड भी है कुछ, इंक्रीज इन इंपोर्ट विल ऑलवेज लीड टू जीडीपी डाउनफॉल, अलाउ टू ओपन फैक्ट्रीज इन अदर कंट्री, उनको उनके लिए आप एक मौका बना कर रहे हो जीडीपी बढ़ाने का, जबकि पाकिस्तान में बोलने से क्या जाता। ट्रेड बैरियर एक चीज है, ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शन जिसमें इंपोर्ट टैरिफ आता है, इंपोर्ट कोटा आता है एंड प्रोटेक्टिज्म आता है, प्रोटेक्टिविज्म। फिर आता है मल्टीनेशनल बिजनेस। मल्टीनेशनल बिजनेस आर विद हैव फैक्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नॉट इन वन कंट्री बट मोर देन वन कंट्री, जिसे ट्रांसनेशनल बिजनेस भी कहा जाता है। आप अगर बात करो मेडिकल कंपनीज की, तो मोस्ट ऑफ द मेडिकल कंपनी जो कि सक्सेसफुल है वो मल्टीनेशनल होती है। मल्टीनेशनल के बाद आखिरी टॉपिक एक्सचेंज रेट आता है, एक्सचेंज रेट आता है प्राइसेस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। इंपैक्ट क्या होता है, इंपोर्ट प्राइस के कम हो सकते हैं, इंपोर्ट इसके इसकी वजह से हमारा बढ़ जाता है, क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट हमारा ज्यादा होता है, एप्रिसिएट कर जाता है, तो उसके इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर डेप्रिशिएट कर जाए हमारी करेंसी तो भाई इंपोर्ट प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट प्राइस हमारे खत्म हो जाएंगे। यहां पे बात होता है पूरा पूरा बिजनेस का सिंपल कंप्लीट। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा पांच के बाद सेशन चार घंटे से पहले, जिसमें बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट किया कैसे जाता है, पेपर वन में किस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे जवाब देना है, पेपर टू में किस टाइप का सवाल आएगा तो किस टाइप का जवाब देना है, कितने मार्क्स के अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल तो पूछ देना।